गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आप सब कैसे हैं? और अभी मैं बैठ गई हूँ नहा धो के सोफे पे, और अभी आया है कुछ पार्सल जो कि मैंने मंगवाया था अमेजोन से, मेरा मास्क और शैम्पू। मास्क जो है ख़त्म हो गया था, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने शैम्पू भी मंगा लिया है। दो तीन दिन से सर अच्छे से धोया भी नहीं है मैंने, अभी धोंगी अच्छे से मज़े से। देखो मेरी सासू माँ लेके आई है बोतल, सुबह सुबह काफ़ी सारा बोतल लेके आई है। मेरे पति ने फ़ोन करके बोला था मम्मी को कि बोतल लेके आना करके। और ये एक है राकेश का द बॉडी लोशन, तो वो रख दिया था उसने, मतलब मंगवाया था उसने, तो फिर वो भूल गया है, तो पीछे ही है, तो इसलिए फिर मैं चली गई उसको देने के लिए। और इधर देखो सारे कपड़े मैंने धूप में सुखाए हैं, मुझे ना ऐसे हैंग करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं और धूप बहुत है। इधर देखो हमारे लीची के पेड़ में काफ़ी अच्छा लीची आया है काफ़ी, और ये लोग अभी चीकू निकाल रहे हैं पेड़ से। तो मेरे साइड में देखो कितना कुछ है, चीकू, आम, केला, लीची, काफ़ी कुछ है। तो मेरे पति और भी बहुत सारे जो फ्रूट्स के है वो सब लगाएंगे घर के, तो उन्होंने बोला है। मैंने तो सोचा था कि पपला या लिप्टिस का पेड़ लगाऊं करके, लेकिन क्या करें, लगाया नहीं, अभी फिर फल फ्रूट का ही लगाएंगे हम। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चीकू जो है राकेश ने तोड़ा है, और हम लोग उतना खाते नहीं है, मन नहीं होता है। ऐसा होता है ना, खुद के पेड़ का मन नहीं होता है, वैसा ही सीन है, गिर जाता है, बंदर खा जाते हैं, लेकिन हमें मन नहीं होता है खाने का, पता नहीं क्यों, क्योंकि मन उतर गया है। और वैसे भी मुझे चीकू पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है चीकू, क्योंकि ये ना परमानेंट होता है। और यहाँ देखो राकेश ने मेरे पैर का क्या हाल किया है, देखो मेरे पैर साफ़ है इसलिए राकेश को जलन मच गई। तो इधर देखो माधव और मैं थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे देखो कितना अच्छा आम आया है। तो देखो यहाँ पे दशहरी आम है, ये बहुत मस्त वाला पेड़ है एक तो, और इधर केला है तो ये सूख गया है। और हमारा जो साइड है ये कॉलोब वाला पेड़ है, तो यहाँ पे ना छोटा सा एक पेड़ है तो उसमें काफ़ी सारे आम आए हैं, बस बंदर परेशान ना करे, बहुत बड़े बड़े आम आए हैं। तो देखो बहुत सुंदर आम आया है, तो इस जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब मैं क्या करूँगी, पन्नी में बांध के रखूँगी जिससे कि आम जो है बंदर को ना दिखे। माधव को ले लिया है गोद में, और माधव को अभी सुलाऊंगी क्योंकि दोपहर हो गया है, हमें भी खाना खाना है, भूख लग गई है। ऊपर से अब जब भी हम खाना खाते हैं ना तुरंत हमें नींद आ जाती है, और तब क्या करता है माधव, बहुत परेशान करता है। अभी फिर मैं सुला दूँगी, फिर आधा एक घंटा फिर मैं भी सो जाऊँगी, फिर अच्छा लगेगा। लेकिन गाइस पता है नींद कब आती है, 4-5 बजे नींद आती है, तब बहुत तगड़ी वाली आती है, अभी पता नहीं क्या है। तो इधर देखो मेरे पति ने नहा लिया है और बैठ बैठ के मुझे चिढ़ा रहे हैं। और यहाँ से एक भैया जा रहे थे, तो वहाँ भैया से हमने तरबूज, खरबूजा और केला लिया है। माधव को केला बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने उसके लिए केला लिया है, और प्रियतम को भी पसंद है। और ये देखो इनका ये पल्ला तो एकदम मुंह पे ही छिटक आया है। अभी के लिए बाय बाय।